हेलो गाइस, मेरा नाम विघ्न मोरे। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन इंजीनियर और एक लेनोवो थिंकपैड का लैपटॉप है और इसमें मैं ऑन करूँगा। तो इसमें अभी मैं इसकी प्रॉब्लम दिखाऊँगा किस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने ऑन किया लैपटॉप के लिए, थोड़ा वेट करना और ये मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है मैं इसमें आपके लिए दिखाऊँगा। और मैं इसमें किसी भी आइकन पे, जिसमें क्रोम या माई कंप्यूटर किसी पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आ जाता है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, वो खुद क्लिक करते ही वो यहाँ आ जाता है। फिर मैं क्लिक करता हूँ, फिर नीचे आ जाता है। इसी हिसाब से इसमें ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम किस कहाँ से है मैं इसमें आपके लिए बताऊँगा। हाँ, ये लैपटॉप ऑन हो चुका है। जैसे मैंने ये दिख रहा है, मैं करीब कर रहा हूँ और इसमें इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ये अब मैं ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, ये इस तरीके से चलते हुए लाइन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसमें किसी भी आइकन पे क्लिक करूँगा, इस तरीके से हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम किस कहाँ से बनती है वो आप, जब आपके लैपटॉप या किसी में प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद भी इसे सही कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंत में मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो मैं इसका जैसे इसमें इस तरीके से आ रही है, तो मैं इसका मैंने बहुत इसमें सर्च मारा तो इसमें कीबोर्ड से जो प्रॉब्लम निकली, मैं इसमें कीबोर्ड दूसरा चेंज करके दिखाता हूँ आपको, आप लोगों के लिए। जैसे इसमें ये कीबोर्ड है, ये प्रॉब्लम कीबोर्ड से होती है। मैं इसमें दूसरा कीबोर्ड डाल के दिखाऊंगा। अभी इसमें ये वाला कीबोर्ड है, मैं इसमें दूसरा कीबोर्ड डालूंगा। ये लगा चलते पे डाल दे रहे हूँ। मैंने इस कीबोर्ड के लिए लगाया, मैं इसी प्रॉब्लम को दिखाऊंगा। और मैं इस पर किसी पे क्लिक कर रहा हूँ, सही है। तो ये इसमें जो प्रॉब्लम होती है लेनोवो लैपटॉप के इस तरीके से, अगर किसी भी लैपटॉप में आए लेनोवो के T400 या T70 होता है, ऐसी कुछ होता है दूसरा मॉडल, तो इन सभी लैपटॉपों में ये ओल्ड ये फर्स्ट जनरेशन के लैपटॉप हैं, तो इसमें इसी तरीके से प्रॉब्लम आती है। और इसका जो कीबोर्ड होता है जो बहुत महंगा आता है, तो इसमें इस तरीके से प्रॉब्लम, और ये इस तरीके से आ रही है, इसमें कोई की दब रही है, तो इसकी भी ये प्रॉब्लम है। सो गाइस, मेरी वीडियो की लास्ट तक देखें और तरीके की प्रॉब्लम आ रही है आपके पास इस तरीके का लैपटॉप है लेनोवो का, तो T400 या T700 इस तरीके से कोई ये लैपटॉप आते हैं, ऐसी कुछ होता है दूसरा मॉडल, मैं भूल गया हूँ। और लेनोवो के इस तरीके से जो भी मॉडल हैं कीबोर्ड इस तरीके से है, तो उसमें कीबोर्ड की प्रॉब्लम होती है। और आप रिपेयर ना करा के आप किसी भी वो रिपेयर के पास जाएंगे तो आपके लिए पहले देखेगा उसमें, अगर उसके समझ में नहीं आएगा और कीबोर्ड नहीं है तो वो आपसे मना कर देगा, पहले रिपेयर करके देखेगा और उसे नहीं पता है तो उन्हें, तो आप सीधे जाएं और उसमें कीबोर्ड डलवाएं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और
थैंक यू, बाय बाय, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें।